नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तोसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर पहले ब्यावर रोड विलेज पहुँचा हूँ। अभी जो लोड दिखा रहा हूँ ये सिरोही नस्ल की बकरियाँ हैं। मैं जंगल घूम घूम के माल लेता हूँ और वो भी वीडियो शेयर करता हूँ आपसे। जो अभी जा रहा हूँ ये जंगल का माल है, जंगल से वीडियो बनाता हूँ, माल पसंद आना रेट करके फिर मैं फार्म पर लाता हूँ। ये तो जो मैं जंगल घूमता हूँ, देखो प्योर क्वालिटी सिरोही ब्रीड की बकरियाँ, और जैसा आपका रेट रहेगा वैसा रेट पे है। बकरियों की रेट का एक अंदाज़ा बता दूँ तो मेरे पास 12,000 से 25,000 तक बकरियाँ रहती है। सब जो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ ना वीडियो, ये सब जंगल घूम घूम के हुआ है। आप खुद देख लीजिए, जंगल का व्यू है पूरे में। जैसे मुझे सौदा बैठता है, मैं पहले बकरी जाता हूँ, देखता हूँ। और जिसको भी भाई मेरे इलाके में या किसी भी इलाके में हो और बकरी क्वांटिटी को बेचने की हो तो मेरा स्क्रीन पर दिए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं लेने आ सक बकरी देखूंगा, पसंद करूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा लेने, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं जंगल घूम घूम के माल लेता हूं, मैं मार्केट का माल लेता ही नहीं हूं भाई। पहले बात तो आपको भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी फार्म स्टार्ट कर रहा है तो उससे मत उड़ो। आप जंगल का माल लेके उसको फार्म पर रख के डीवॉर्मिंग करके वैक्सीन करके फिर रखो और 100% कहता हूँ सक्सेस हो जाओगे। लेकिन आप मार्केट किसी भी सस्ते के चक्कर में मंडी का माल उठा लेते हो, फिर बाद में बीमार होता है। तो इससे अच्छा है मार्केट का माल लो। उसे मेरे फार्म पे तो मैं कह रहा हूँ, मैं फार्म से पहले जंगल से जाता हूँ, बकरी पसंद करता हूँ। और भाई मेरे पास स्टॉक बकरी का ही रखता हूँ, बकरे का नहीं, मैं बकरियाँ ही रखता हूँ फार्म पे। लगभग 30-40 बकरियाँ हमेशा फार्म पे रखता हूँ और मैं लेता रहता हूँ जानवर। जहाँ पे भी मुझे पसंद आया, रेट में पसंद आई, मैं माल लेते रहता हूँ और माल क्वालिटी उठाता हूँ भाई। और क्वालिटी रेट हो जाती है, सस्ते के चक्कर में घटिया माल दे देना, मंडी का माल दे देना, बीमार माल दे देना, कट्टू माल दे देना या वेट में मार देना, ऐसा काम मेरा नहीं है। क्वालिटी लोगे, क्वालिटी पैसा लगेगा, चीज़ का पैसा लगेगा, क्वालिटी दूंगा और वैक्सीनेशन दूंगा, कंप्लीट डीवॉर्मिंग मैं करता हूँ लीवर टॉनिक के बाद, फिर PPR वैक्सीन करके देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये अभी देखो जंगल घूम घूम के पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। जो लास्ट में भी वीडियो लगाऊंगा मेरे फार्म पे, जो माल में आएगा उसका व्यू भी दिखाऊंगा। ये सब सिलेक्शन माल में करके लाता हूँ भाई। ठीक है, जंगल घूमना पड़ता है। देखो घूम के लगने में एक दिन में कोई माल नहीं मिलता भाई। कभी भी आप सोच लो कि एक दिन में बकरी मिल जाए, एक दिन में 20 बकरियाँ मिल जाए, नहीं मिलती। 2-3 दिन लगता है माल सिलेक्शन में, इसलिए स्टॉक फार्म पर रखता हूँ। ठीक है, पूरा स्टॉक जंगल में। आपको घूम रहा हूँ ना उसका वीडियो देखो आप। ये सब जंगल का, मेरे फार्म का नहीं। मेरे फार्म पे जो मैं बकरियाँ खरीद कर लाया हूँ इस बकरियों में से, वो आपको मैं पूरा भी लास्ट में आएगा मेरा व्यू पूरा बकरी फार्म में। मेरे फार्म में कितनी बकरियाँ हैं अभी प्रजेंटली, तो सब अच्छी बकरी। आप खुद देख लीजिए भाई, बकरी की क्वालिटी देख के आप कह सकते हो कि हाँ भाई चीज़ है, पैसा है। ऐसा तो नहीं भाई मार्केट से ला के चेप दिया बंदा बाद में रोए। तो ये देखो, ये बच्चे वाली बकरियाँ लाए। अब मेरे फार्म का व्यू है ये, मेरे फार्म पे मैं बकरियाँ लाया हूँ बच्चे वाली। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की डिमांड मत करना कि ये बच्चे मुझे दे दो भाई, ये बकरियों के साथ ही जाएंगे। बच्चे वाली बकरी की रेट करूँ तो 17-18 हज़ार से स्टार्टिंग है मेरे पास। सुन रहे हो, 17-18 हज़ार से स्टार्ट बच्चे वाली बकरी। प्रेगनेंट बकरी 13-14-15-16 रेंज में, खाली बकरी 10-12 हज़ार की रेंज। समझ रहे हो भाई, ये रेट है मेरी। ऊपर भी बकरी है, ऊपर भी रेंज है, वो वैसे एक बकरी के हाइट क्वालिटी दूध कैपेसिटी के हिसाब से रेट है। और मेरा फार्म अजमेर में है, कभी भी आप विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल मैप का लोकेशन डाल दूंगा, फार्म का नाम आएगा राजस्थान गोट फार्म जय तोसिक के नाम से। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हैं कम से कम 3-4-5 दिन के बच्चे हैं। बकरी के साथ में देने का है। आप सोच रहे कि कान कैसे कटे हैं, ये किसान लोग जो अपनी खूबसूरती बच्ची दिखाने के लिए इनके कान काटते हैं। देखो ये गाड़ी से उतर गई है बकरियाँ, जो मैं खरीद के कुछ जंगल घूम घूम के लाता हूँ। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ भाई, मैं जब भी लाता हूँ अच्छा है। क्योंकि मेरे पास अगर बकरियाँ नहीं भी बिके और मेरे पास स्टॉक 10-15 दिन भी रहे ना, तो जंगल का माल बीमार नहीं होता है, ये मान के चलो भैया। और अगर मैं मार्केट से ला के 2-3 दिन रख लूँ ना, तो जानवर बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको मना करता हूँ, अगर आप फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हो ना भाई, तो या तो आप किसान से माल लो, माल लेने के बाद उसको डीवॉर्मिंग कराओ, उसके बाद वैक्सीन करो, फिर माल लो। किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, 2 पैसे ज़्यादा लगेंगे ये मत सोचना। लेकिन आप सस्ता लेके 2-3 पैसे कम लगाओगे ना, तो महंगा पड़ जाएगा मेरे भाई। ये देखो, ये पूरा जंगल से कलेक्शन करके 2-2 बच्चे वाली बकरियाँ, बच्चे साथ में हैं, आप खुद नज़र कर लीजिए। किसी के साथ बड़े हैं तो किसी के पास छोटे बच्चे हैं। और ये फार्म पर स्टॉक पहले से मेरे पास हमेशा माल रहता है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे पास हमेशा माल रहता है। आप कभी भी विजिट करो, लेकिन बंदे क्या करते हैं, 1 बकरी चाहिए, 5 बकरी चाहिए, 2 बकरी चाहिए, फ़ोन पे रेटें पूछते हैं। भाई मैं कभी रेट फ़ोन पे नहीं करता मेरे भाई, फार्म विजिट करो। मैं एक अंदाज़ा रेट वीडियो में भी बोल चुका हूँ, अगर आप लोड का लोड लेते हो तो हिसाब से रेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माल आपको
जो होगा जो क्लियरली बोलूँगा भाई, जिसको वैक्सीन होगा वैक्सीनेटेड बोलूँगा, जिसको नहीं होगा उसको आप कराना पड़ेगा। आजकल क्या है कि हर चीज़ कंपटीशन के चक्कर में, फार्मरों की कंपटीशन, ट्रेडर की कंपटीशन के चक्कर में, कैसा का कैसा माल ले जा रहे हैं, कोई वैक्सीन है कि नहीं है, मंडी का मार्केट का माल चेप रहे हैं, तो उससे बचो मेरे भाई। मैं खुद है ना बकरी में डीलिंग करता हूँ, बकरों में नहीं करता, बकरों के लिए मुझे ऑर्डर लगाओ। और बंदे क्या करते हैं कि ऑर्डर किस लिए नहीं लगाते, उनको चाहिए आज ऑर्डर दिया कल माल चाहिए, आज ऑर्डर दिया और कल माल चाहिए। तो फिर आप सोचो एक दिन में जंगल घूम के माल नहीं मिलता मेरे भाई, टाइम देना पड़ता है जंगल के लिए कर लेना, ठीक है इसलिए। और बाकी बकरियों के लिए अगर आपको फार्म पे विजिट करो, मेरा अजमेर में ही है, और मैं इनकी डाइट प्लान के लिए हमेशा लाइव आके वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज पे भी और फेसबुक ग्रुप भी। मेरा फेसबुक ग्रुप और मेरा यूट्यूब चैनल सर देखना हो आपको तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है ना, वही आप यूट्यूब नंबर यूट्यूब पे जाके उसको नंबर को सर्च करोगे ना तो मेरा चैनल का लिस्ट आ जाएगा। फेसबुक पे सर्च करोगे ना तो फिर फेसबुक में मेरा पेज आ जाएगा। तो ये सारा माल अभी प्रजेंटली मेरे पास स्टोकली है, बच्चे वाली ज़्यादातर बकरियाँ हैं, कुछ प्रेग्नेंट है, ठीक है, ऐसे नहीं कि सारी ही बच्चे वाली है, इसमें कुछ बच्चे पच, देखो ये बकरी है ना लोडेड है भाई, इनके बच्चे देने के लिए 10-15 दिन की जेज है अभी। और ये सेकेंड और थर्ड ब्याह की बकरी है, सबसे हेवी बकरी ये है मेरे फार्म पे। और ये देखो बच्चे कितने खूबसूरत बच्चे हैं, सिरोही अजमेरी ब्रीड के, आप अजमेरी भी कह सकते हो सिरोही भी कह सकते हो, मेरे लिए दोनों बराबर है भाई, कोई अलग नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं देखो, इनकी डिमांड मत करना, इन बच्चों बकरियों के साथ जाने वाले बच्चे हैं, ये मत कहना कि ये बच्चे क्या रेट पे दे रहे हो। मैं बच्चे कम से कम बोलूँ ना 25-30 किलो के रेंज के, बाकी तो बंदे जैसे बोलोगे वैसे ही ऑर्डर पे बना के देना पड़ता है। और आपके सामने सारा माल, आप माल देख लीजिए, जो भी बंदा लेना चाहता है भाई इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्वालिटी माल है। और मैं ये कह देता हूँ कि भाई डीवॉर्मिंग किया हुआ है अभी, क्योंकि अभी आया है तो मैं एक दिन वैक्सीन नहीं करता, पहले डीवॉर्मिंग करता हूँ, फिर लिवर टॉनिक चला तो फिर वैक्सीन करता हूँ, तो वो कम्प्लीटली मिलेगा आपको। तो जो भाई लेने से इंटरेस्टेड है स्क्रीन पे दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। देखो लोट के लोट रेट करते हैं ना, जैसे ये 35 बकरियों का लोट है, इसमें बच्चे हैं साथ में, किसी बकरियों के 2 किसी के 1, वो कोई लोडेड है, और 100% जो चीज़ होगी वही बोलेंगे भाई। बकरियाँ बढ़िया क्वालिटी है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है माल में। आप विजिट कर सकते हो मेरा फार्म, मेरा फार्म का एड्रेस आपको गूगल मैप के द्वारा, मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप लगा है, उस पर जाके क्लिक करोगे तो मेरा फार्म का लोकेशन आ जाएगा। बकरियाँ सब लगभग इसमें कुछ पट्टे हैं जो 6 महीने 12 महीने ऐसी, और कुछ बकरियाँ 4 दांत 6 दांत और कुछ 8 दांत भी है, क्योंकि 8 दांत बकरी तीसरे बेत में आ जाती है भाई, ठीक है। तो चीज़ आपके सामने है भाई, और रेट का मसला है कि क्वांटिटी मैंने एक मोटा मोटी अंदाज़ा रेट भी बता दिया है। बकरियों की डाइट भाई, जो भी बकरी फार्म करता है ना भाई, तो अच्छे से डाइट प्लान भी रखो। आपके तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट उसी को होता है जो बकरी पे ध्यान रख के, बकरी की डाइट प्लान पे, बकरी की क्रॉसिंग टाइम पे, बकरों की वैक्सीन पे पूरा ध्यान रहता है ना, उसी को बकरी फार्म में प्रॉफिट मिलता है। ऐसे थोड़ी बकरी ला के रखने पे खान पीन पे ध्यान नहीं, वैक्सीन का ध्यान नहीं, बकरी की क्रॉसिंग का ध्यान नहीं, ठीक है, बॉडी वेट कैसे बढ़ रहा है, बॉडी बकरी को किस दिक्कत है, ये कुछ भी ध्यान नहीं होता तो उसे लॉस है मेरे भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे को माल देना ही कुछ सब कुछ नहीं है, मेरे को बताना भी पड़ता है अगला बंदा, मेरा ये मकसद है कि अगला बंदा इसमें सक्सेस हो बकरी फार्म, ठीक है, सक्सेस होना मतलब पूरा डिटेल से बता के देना। मैं पहले रेट बताने से पहले मैं डिटेल बताता हूँ जानवर को कि आपको कैसा जानवर, किस तरह का जानवर रख के फार्म स्टार्ट करना है, ठीक है। कभी भी जंगल से भी उठाओ, मैं मार्केट की मना कर रहा हूँ माल लेने के लिए, इस टाइम बिल्कुल मना कर रहा हूँ, मत लो मेरे भाई, लॉस मत खाओ। आप सोच बड़ी कर लेते हो पहले, लेकिन सोच से पहले माल ले लेते हो ऐसी जगह से, तो फिर बाद में सोच तो बड़ी वहीं पे डूब जाता है, फिर परेशान हो जाते हो कि यार ये माल तो दिक्कत कर रहा है, दिक्कत करेगा मेरे भाई। पहले बात, आप जब भी माल लाओ ना, कहीं से लो, उस बंदे से हाथ जोड़ के विनती करो कि भाई तूने वैक्सीन किया है कि नहीं किया है, मुझे बता दे प्लीज़। ऐसे ऐसे सब बोलते हैं, हाँ कर दिया भैया कर दिया, लेकिन अब उससे रिक्वेस्ट करके पूछ लो, उसने नहीं किया है तो आप उसे डीवॉर्मिंग, जाते ही डीवॉर्मिंग कर दो सवेरे के टाइम, पेट के कीड़े की सफाई हो जाती है, क्योंकि कोई भी जंगल में किसान इतना नहीं करता भाई, किसान अपनी बकरियों को रखता है, खिलाई बाहर घुमाता है, और वो शाम को आने के बाद दाना नाक दे डाल देता है, बस चलता है। लेकिन आपको फार्म पर रखना है, एक जगह पर रखना है, तो पहले जाते हैं आपको डीवॉर्मिंग करना है। डीवॉर्मिंग के बाद 8 दिन तक आपको 8 से 10 दिन तक लिवर टॉनिक देना है, कोई सा भी ब्रांड का हो, वो मैं नहीं मायने रखता कोई भी। और उसके 2-3 दिन डीवॉर्मिंग के 2-3 दिन बाद आपको PPR का वैक्सीन करना है मेरे भाई। प्रेग्नेंट को मत करना PPR वैक्सीन, ज़्यादा उम्र की 1-2 महीने की हो तो लगा सकते हो, ज़्यादा उम्र की को लोडेड मत, प्रेग्नेंट
सॉरी वैक्सीन नहीं करने का भाई, ये ध्यान रखना। आपको सक्सेस का एक मंत्र बता रहा हूँ बकरी फार्म में, क्योंकि आजकल बहुत फेल हो रहे बंदे। वो सब क्या है कि भागती दौड़ती दुनिया में सबको अर्जेंट जल्दी जल्दी मुनाफा, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। जल्दी तो बकरियाँ चाहिए, आज आया कल मुझे बकरी चाहिए, ठीक है, जल्दी बकरी चाहिए, जल्दी बकरी बच्चा देना चाहिए, 12 महीने में 2 बार बच जाती है। अरे मेरे भाई, आप जितना गेप बकरी को दोगे ना उतने रिकवर होगी। 12 महीने में ले लो, 6 महीने में, 5 महीने में प्रेग्नेंट होती है, 1 महीने में वापस क्रॉस करा दो, वापस बच्चा ले लो। अरे ऐसा थोड़ी है, मशीन थोड़ी समझ रखी है, थोड़ा गेप दो बकरी को, 1-1.5 महीने 2 महीने का तो गेप दो बच्चा देने के बाद, उसकी रिकवरी करो वापस से, अच्छे से बकरी की रिकवरी होगी तब वो 2 बच्चा देगी। बहुत सारे मेरे भाई कमेंट भी करते हैं कि सिरोही तो 1 ही बच्चा देती है। भाई आप जल्दबाजी बहुत करते हो, पहले तो बकरी की कमजोरी देखी जाती है। अगर बकरी की कमजोरी है तो वो कैसे 2 बच्चा देगी यार, वो 1 बच्चे में भी दिक्कत करेगी। बकरी को डाइट प्लान अच्छे से प्लान बना के रखो। सर्दी का मौसम है, सबसे बढ़िया आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का मौका मिल रहा है। गर्म चीज़ खिलाओ, अच्छी चीज़ खिलाओ। बकरी की इम्यूनिटी पावर इस टाइम नहीं बढ़ी तो बाद में नहीं बढ़ा पाओगे। सर्दी का माहौल है, इस टाइम आप जितना बकरी को खिलाने की डाइट दोगे ना उतना अच्छा है। मैं हमेशा वीडियो पे लाइव आए आके बताता हूँ कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाना, क्या क्या डाइट देनी है, ताकि बकरी को सर्दी ना हो, उसकी स्ट्रॉन्ग रहे बॉडी, तो कोई भी बीमारी से लड़ सके वो। अगर जानवर को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो जानवर बीमारी से लड़ेगा। अगर वो दुबला पतला रहेगा ना तो थोड़ी सी हवा चली ना तो वो बस हो गया उसको जुकाम। तो इसी चीज़ के लिए आपको लगे रहना है भाई। बकरी फार्म में अगर सक्सेस होना है, अच्छे से चलना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। बकरी की डाइट प्लान पे ध्यान रखो, बकरी की वैक्सीनेशन के ध्यान रखो, बकरी की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, हर तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। डॉक्टर भी बनना है, खिलाई पिलाई के लिए किसान भी बनना है, हर चीज़ बनना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। और मैं भी कहता हूँ बकरी फार्म में प्रॉफिट है मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, लेकिन इससे चलाने वाला भी बंदा अच्छा हो ना, खिलाई पिलाई पे सब तरह से, तो आपको प्रॉफिट है। आपको इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप केवल बकरियाँ ला के रखते हो, क्या पता कौन सा चारा खिलाना है, कौन सा चारा खिला रहे हो, केवल घूसा भूसा खिला रहे हो, बकरी को दाना नहीं दे रहे हो, उसकी इम्यूनिटी पावर के लिए आपको अलग से कोई टॉनिक नहीं दे रहे हो, तो बकरी कैसे रहेगी मेरे भाई। किसान लोग तो क्या है, बाहर घुमा घुमा के चरा लेते तो उनको हर तरह का चारा मिल जाता है, फिर शाम को आने के बाद वो दाना डाल देते, बस इतना सा करता है किसान, और कुछ भी डाइट नहीं देता। डाइट प्लान हम देते हैं फार्म पे, देखना आप कितने वीडियो बनाता हूँ, कितना डाइट देता हूँ बकरी, कभी भी 100% मान के चलो। किसान की बकरी मैं लाता हूँ ना फार्म पे, मैं भी ऐसी लाता हूँ, ऐसी नहीं कि हाई फाई रेट की लाता हूँ भाई, बहुत 30,000-35,000 की बकरी लाता हूँ मैं, नॉर्मल बकरियाँ लाता हूँ अच्छी, उसको डाइट अच्छी भी देता हूँ, उसमें चमक आ जाती है, ग्रो आ जाती है, बढ़िया बकरी रेट में बिक जाती है भाई, ठीक है। तो मेरा मैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना भैया, और आपका कोई भी सवाल हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर मेरा कॉल अटेंड नहीं होता भैया किसी वजह से, मैं माल खरीदने बाहर गया हूँ या कोई भी कारण हो गया, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो इसी नंबर पे, ठीक है भैया, तो अच्छा रहेगा मेरे को भी जवाब देने से। मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉल अटेंड नहीं होता है ना भाई, 1-2 लेने वाले को तो मैं प्लीज़ कहता हूँ कि आप फार्म विजिट करके रेटें करोगे ना 1-2 बकरी की, तो सबसे बढ़िया मुझे भी लगेगी और आपको भी, क्योंकि 1-2-5 के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, तो मेरा फार्म विजिट करो मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाइयों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू।